engage myself with motivation in doing a part of my job which I don't like, but it is still giving me monetary benefits. So ye motivation or monetary benefits. How do I engage with motivation in a job, in work which I don't like? Right. But it still pays me. Yeah. Sure. Now I wanted to understand this, that ये जो है ना बुफे नहीं चल रहा है आपका, जो काम आपने जो लिया हुआ है कि आप वहां गए प्लेट लेके, चलो भी पनीर ले लो, दाल छोड़ दो, ये सैलेड में ये ले लो, ये छोड़ दो, रबड़ी ले लो, बाकी छोड़ दो, वो बुफे नहीं है। आपका काम जो है ये पूरा अलाकार्ट है, आपको पूरा मिलेगा ना। ये हमने बड़े कॉन्सेप्ट सुन लिए हैं, डू व्हाट यू लव, तो आदमी उसी में अटका हुआ है कि आई विल ओनली डू व्हाट आई लव और जिंदगी निकल जा रही है उसकी। I'm just saying, very few people have this clarity about what they love doing. Not all the people have this clarity. Not many people have this clarity, right? Till the time you don't have clarity, please do what is in front. जो सामने है काम उसको कर दो, क्योंकि वो काम सामने है। तो अभी आप ये के पास एक complete package है, उसमें कुछ काम आपको अच्छे लगते हैं, कुछ काम अच्छे नहीं लगते। आपकी जिंदगी और आपकी ग्रोथ डज नॉट डिपेंड ऑन योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। मैं रिपीट करता हूं, आपकी जिंदगी की ग्रोथ डज नॉट डिपेंड ऑन योर लाइक्स और डिसलाइक्स। तो इसी तरह आपका जो काम है आपके सामने, उसमें आपको क्या पसंद है ना क्या नापसंद है, उससे ज्यादा लेने देना नहीं है, वो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो फोकस ऑन दैट वर्क, नंबर वन। नंबर टू, अंडरस्टैंड दिस, अगर आपने इसको एक मौका समझ के देख लिया कि ये 10 काम में से 3 काम मुझे पसंद नहीं है लेकिन करने हैं, क्योंकि मुझे 10 काम का पैसा इतना अच्छा मिलता है लेकिन 3 काम पसंद नहीं है। आप उसको ऐसा मौका समझ के देखो कि 3 काम पसंद नहीं है आपको लेकिन आप फिर भी कर रहे हो, और आपको पसंद नहीं है उसके बाद अगर आपने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कर दिया। आई एम रिपीटिंग, यू डोंट लाइक इट बट स्टिल यू डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। थर्ड टाइम आई एम रिपीटिंग, यू डोंट लाइक इट but you still do it in the best possible way. Imagine the kind of confidence you will have for things which you like to do. Jo kaam pasand nahi hai usko bhi tumne zabardast kar diya, to jo kaam pasand hai usme to tum aflak to nahi kar doge yaar. Am I able to connect with you on this? So I think it's a great opportunity to build your own self. So all these difficult areas, all these non-likeable areas are areas where you develop your internal strength. जिंदगी में आपको 10 लोग आपके साथ हैं, आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं, उन 10 लोगों में से 5-6 लोग आपको मजा आता है काम उनसे बात करने में, because they align with you, you align with them. But there are 3-4 people जिनके साथ काम करने में मजा नहीं आता। Imagine अगर आपने उनके साथ काम अच्छा कर दिया जो आपको पसंद नहीं है, तो फिर आपके अंदर की ताकत कितनी होगी खुद के बारे में, what you will feel? You will develop a sense in of realization that यार कैसे भी आदमी दे दो मेरे सामने, मैं काम करा सकता हूं, मैं डील कर सकता हूं। इमेजिन दैट कॉन्फिडेंस। लेकिन आप सिर्फ उन्हीं से डील करते हो जो आपको पसंद है, जो आपको पसंद है, जो आपको पसंद है, तो फिर क्या होगा? लाइफ में हमेशा आपके पसंद के लोग तो नहीं आने वाले। लाइफ में अलग थॉट प्रोसेस के लोग भी आएंगे, लेकिन आपकी अभी तक आदत ही नहीं बनी है उन लोगों से डील करने की, तो आप अटक जाओगे। सो सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, that things which you don't like, but they are still a part of the menu. Eat it.